नमस्कार जी, मेरा नाम है सौरभ। और कोरोना के संबंध में ही सब तरफ बातें हो रही हैं, तो मैं भी अपना वीडियो कोरोना के बारे में ही लेकर आया हूं। इस बार मैं ये बात नहीं कहने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में कोरोना से निपटने के लिए जो कुछ उपाय किए हैं वो ठीक किए, खराब किए, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करने जा रहा हूं। हाँ, मैं ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस वीडियो की शुरुआत में ही कि मेरे हिसाब से सरकार ने सही मैनेजमेंट नहीं किया है, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट किया है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तमाम लोगों को तड़पते परेशान होते हम लोग देख रहे हैं। और जो 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी, राहत पैकेज भी जो घोषित किया है सरकार ने, वो भी मुझे लगता है कि एक तो वैसे ही वो बहुत कम है, क्योंकि उसमें से एक बहुत सारा हिस्सा लोगों के बीमा पर है। अब लोग तो जिंदा रहना चाहते हैं ना। आप लोगों को मारने के बाद उनके परिवार वालों को पैसा देने के लिए यदि प्रावधान रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपातकाल में वो ठीक नहीं है। तो लोगों को जिंदा रखने के लिए ज्यादा खर्चा होना चाहिए था। और दूसरी बात, ऐसे ऐसे झोल हैं इस 1,70,000 रुपए के, 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज में कि सोचिए, जैसे मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके लिए 20 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। अब जरा सोचिए कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक तो कोई प्रोजेक्ट्स चालू ही नहीं रहेंगे, और जब तक वो चालू नहीं होंगे तो लोग, मजदूर लोग काम पर कैसे जाएंगे मनरेगा के लिए? तो वो दिहाड़ी उनको इस वक्त मिलेगी कहाँ से, जबकि इस वक्त उसकी ज्यादा जरूरत हो। तो ऐसे तमाम झोल हैं इस 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज में, बहुत ही ढीला ढाला पैकेज है मेरे हिसाब से। तो लिहाजा बहुत कम तो वैसे भी है, 1,70,000 करोड़ रुपया होता तो भी बहुत कम था, इससे बहुत ज्यादा राशि की जरूरत है। तो खैर, ये मेरा शॉर्ट में बात थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बारे में क्या किया। मैं इस बार मैंने कहा कि इस बारे में खास बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं दो बिंदुओं पर ज्यादा बात करने जा रहा हूं। ये दो बिंदु क्या हैं? पहला बिंदु है कि कोरोना के इस खतरे से हम और आप कैसे निपटें, और दूसरा बिंदु है कि इस घटना के भविष्य के लिए क्या सबक हो सकते हैं। ये जो पूरा एक पैनिक क्रिएट हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं आगे के लिए। पहला सवाल जो था, कोरोना के खतरे से कैसे बचे, तो मुझे लगता है कि दो स्तर पर बच सकते हैं। पहली जिम्मेदारी हमारी आपकी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। और वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? एक जो हम लोग बहुत देख रहे हैं, बड़ी कॉमन सी ये सलाहें आ रही हैं, शॉर्ट में निपटाता हूं, व्यक्तिगत दूरी बनाकर रखें, लोगों से ज्यादा चिपके नहीं, हाथ ना मिलाएं, छींके नहीं, मास्क ढक कर रखें अपने चेहरे को, तो ये व्यक्तिगत दूरी बनाकर रखें। साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें, बार बार हाथों को धोएं, ताकि कीटाणु को, हम लोग वायरस को जो है अपने चेहरे तक, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, श्वसन तंत्र तक न जाने दें। उचित खान पान का इस्तेमाल करें और व्यायाम करते रहें, ताकि हमारी इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, और ताकि वायरस हम पर आसानी से अटैक ना करे। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की, बेहतर बनाए रखने की बहुत जरूरत मुझे महसूस हो रही है। इस वक्त पे ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया गया है कि तमाम लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन के कारण परेशान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसको जो है अवॉइड करने के लिए, ऐसी सिचुएशन आने से कि तमाम लोग आत्महत्याएं करने लग जाएं डर के मारे, हमें लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारी विशेष जिम्मेदारी है। कैसे बने वो मानसिक स्वास्थ्य? सबसे प्यार करें अपने इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं, समझ लीजिए इस क्रूशियल टाइम में, आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके प्रति प्यार का भाव रखें। कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो अवॉइड करें, अफवाह न फैलाएं, किसी किस्म का ऐसा मैसेज फॉरवर्ड ना करें जो आपको लगता है बस आया और आपने फॉरवर्ड कर दिया। इस टेंडेंसी से, इस अप्रोच से आप बाहर निकलिए। और अगर कोई भी मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है, तो बेहतर यह रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत का जो स्वास्थ्य विभाग है, उसके कोई मैसेज अगर आते हैं तो आप फॉरवर्ड जरूर कर सकते हैं, उसे अवेयरनेस होगी। लेकिन हर एक मैसेज को फॉरवर्ड करने की अपनी जो आदत है उससे बचिए। अगर ये लगता भी है कि कोई मैसेज फॉरवर्ड करने लायक लग रहा है, तो उस पर थोड़ा अच्छे से रिसर्च कर लीजिए और तब जाकर उसे फॉरवर्ड कीजिए। और सबसे जरूरी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमारी है, वो है कि हम सरकार से ऐसे समय में अपने अधिकारों की मांग करें। सरकार को क्या करना चाहिए, इस बात के लिए सरकार को बारंबार हम लोग रिमाइंडर्स देते रहें, और सरकार पर प्रेशर भी बनाएं। अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की पहली जिम्मेदारी यह है कि लॉकडाउन ठीक तरीके से करे। अभी जो स्थिति है लॉकडाउन की, वो उसे मैं लॉकडाउन नहीं मानता। लॉकडाउन का मतलब होता है कंप्लीटली यू हैव टू बी एट योर होम, आपको अपने घर पर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार पता नहीं कौन कौन सी बदइंतजामी ले लेकर अपने पास बैठी हुई थी मन में पहले से, कि देखिए सुबह 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए बाजार खोल देती है, और हजारों लोग
तिलचट्टों की तरह दुकानों पर चढ़ जाते हैं सुबह ही सुबह, क्या इससे संक्रमण नहीं फैलेगा? मुझे लगता है कि इससे संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लॉकडाउन जो अभी घोषित किया गया है उससे पहले शायद संक्रमण उतना ना फैला हो जितना कि अब फैलने की मुझे जो है रिस्क लग रही है। तो कंप्लीट लॉकडाउन चाहिए, कोई घर से नहीं निकले, बिल्कुल भी ना निकले। अब आदमी निकल क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी जो जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। उनके प्रति यदि प्रधानमंत्री एक बार फिर से आ जाएं पूरी प्लानिंग के साथ में, बेटर प्लानिंग के साथ से टीवी पर आ जाएं और ठीक तरीके से सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करके लोगों को आश्वस्त कर दें, तो शायद लोगों में उतनी अफरा तफरी ना मचे जो उनके पिछले भाषण की वजह से मच गई थी। दूसरा काम क्या करें कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और राहत और बचाव कार्य, इसको करने के लिए दो स्तर पर काम हो सकता है। एक तो जो मौजूदा जो कर्मचारी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं वो तो काम करें ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी हेल्प के लिए ऐसे तमाम नौजवान, हजारों नौजवान, लाखों नौजवान पूरे देश भर से तैयार हैं। वो अपने अपने स्तर पर काम कर भी रहे हैं, अपने अपने संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम नौजवानों के लिए एक अपील जारी कर दी जाए जो आना चाहें, तो ऐसे नौजवानों को बाकायदा प्रशिक्षित करके असिस्टेंस देने के लिए जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके साथ टीम बनाकर और उनको काम पर लगा दिया जाना चाहिए, उनको पेमेंट भी करना चाहिए। एक और काम क्या करना चाहिए कि जितने भी बेघर हैं या जो पराए शहरों में लोग भटक रहे हैं, मजदूर जिनको हम लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उन सबको उनके घर पर भेजने की कोशिश कृपा करके न करें। उनको उनके घर भेजेंगे तो हो सकता है दिल्ली का वायरस देवरिया पहुंच जाए, दिल्ली का वायरस जो है वो कहीं ग्वालियर पहुंच जाए, तो ऐसा ना करें। जहां पर लोग हैं इस वक्त पूरे देश में उनको वहीं के वहीं अस्थायी निवास दें। और ये अस्थायी निवास कहाँ से आएंगे? ये तमाम बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स खाली पड़े हुए हैं, हजारों लाखों फ्लैट खाली पड़े हुए हैं बिक्री के लिए तैयार, उनमें बसाएं। और कहाँ बस सकते हैं? ऐतिहासिक, धार्मिक तमाम इमारतें हैं इस देश के अंदर, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं वहां बसाएं, इतने सारे किले हैं वहां बसाएं। और कहाँ बसा सकते हैं? खाली पड़ी हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ियों के डब्बे खाली पड़े हैं, उनमें बिजली भी होती है, शौचालय भी होता है, किचन तक होती है, वहां बसाएं, अस्थायी निवास दें। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए, जब तक ये पूरा पैनिक चल रहा है। और कहाँ बसा सकते हैं? पूरे देश में तमाम होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, उनका जबरन इस्तेमाल करें। यदि कोई मालिक देने से मना करे तो आपातकाल लगाते हुए उसको इस वक्त पे जबरदस्ती उससे उसका ये जो जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करे सरकार। और क्या करना चाहिए सरकार को? अब ये सारी चीजें हो गई, जब कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए तो हर घर पर जरूरत की बुनियादी वस्तुएं, बुनियादी सामान, खाद्य सामग्री, दवाई आदि हर घर पर पैकेट बना बनाकर पहुंचाए। जैसे कि हम लोग कुछ वीडियोस देख रहे हैं यूरोप के, तुर्की जैसे कुछ देशों के, जहां घर घर पर ये पैकेट्स इस तरीके के पहुंचाए जा रहे हैं। तो बड़े सुरक्षित तरीके से घरों पर पहुंचाने का प्रबंध करें। वो जो टीम नौजवानों की और कर्मचारियों की मैंने बताई वो इसमें काम आएगी। इसके अलावा आप लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास में अभी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो रख लेंगे इन सब सामान को, तो रख लेने दें। अगर कुछ लोग रख लेंगे तो रख लेने दें, बाकी प्रधानमंत्री तो इस मामले में बहुत ही पक्के हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो अपील भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने सिलेंडर के लिए अपील की थी कि जिन लोगों पर प्रबंध है ऑलरेडी वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल फिलहाल ना करें, ऐसे पैकेट्स को लेने से मना कर दें। तो मैं नहीं समझता कि मुकेश अंबानी, अडानी ये लोग पैकेट को लेने के लिए भूखे बैठे होंगे। दूसरी बात, सॉरी अगली बात, जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, दवा बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जितने भी नयति हॉस्पिटल जैसे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मेडिकल उपकरण बनाने वाली, खासकर मास्क, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उन सबका राष्ट्रीयकरण अविलंब कर लेना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए, और वहां पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना चाहिए और उनको वितरित करना चाहिए निःशुल्क। इसके अलावा जो चिकित्सा है, जो इलाज है, वो निःशुल्क इस वक्त तुरंत देना चाहिए, सबके लिए कर देना चाहिए। और क्या कर सकती है सरकार? सरकार को क्या करना चाहिए? घर घर पर कोरोना जांच टीम भेजे और संदिग्धों को आइसोलेट करने का काम करें। टेस्ट नहीं हो रहे हैं इंडिया के अंदर, इसलिए मामले सामने आ नहीं रहे हैं। टेस्ट अगर होंगे तो बहुत सारे मामले पकड़ में आएंगे और हम तेजी से रोकथाम कर पाएंगे कोरोना वायरस से हो रही इस बीमारी की। तो सबसे बहुत जरूरी काम यह है कि जांच की जाए, और जांच के लिए जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए घर घर जाती हैं टीमें, वैसे ही टीमें घर घर जाएं कोरोना की जांच करने के लिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये काम आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा जवाब है जी, ये मुसीबत भी बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। छोटा मोटा
प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना वायरस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़े स्तर पर ही इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। आप छोटे मोटे काम करके इससे बच कर नहीं निकल सकते। कुछ लोग कहेंगे कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, संसाधन कहाँ से आएगा? सिंपल जवाब है, पूंजीपतियों से आएगा। आपको पता है भारत देश के अंदर अभी अभी कुछ पूंजीपतियों ने कुछ चैरिटी करने की बात कही है। सामने आई है बात की, अजीम प्रेम जी जो विप्रो के मालिक हैं, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की मदद की है, डोनेशन किया है। आपको मालूम है कि अजीम प्रेम जी भारत के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास मात्र 14 बिलियन US डॉलर की संपत्ति आंकी गई है। मुकेश अंबानी जो टॉप पर है, उसके पास में आंकी गई संपत्ति 67 बिलियन US डॉलर है, यानी कि अजीम प्रेम जी से 4.5 गुना ज्यादा उसकी संपत्ति है। तो वो तो कम से कम 4-5 गुना ज्यादा पैसा दे सकता है। अजीम प्रेम जी 50,000 करोड़ रुपया देने के बाद सड़क पर नहीं आ गया है, भूखों नहीं मर रहा है, मजदूरों की तरह झोला उठाकर सड़क पर नहीं चल रहा है, तो अंबानी को भी कुछ नहीं होगा। ऐसे तमाम जो बिलियनर्स हैं, जो अरबपति खरबपति हैं भारत के, उनसे जबरन पैसा लिया जाए, राजी राजी दें तो गैर ले लें, और गैर राजी हो तो गैर राजी लें, उनसे डंडे के जोर पर लेना पड़े तो डंडे के जोर पर लें। अगर हम मजदूरों को सड़क पर पीट सकते हैं, तो अंडानी अबानी इनको क्यों नहीं पीट सकते हैं? क्यों नहीं इनमें लौंदरी लगा सकते हैं? छीना जाए इनसे पैसा, तुरंत छीना जाए, ये आपातकाल है, ये बहुत लोगों की जरूरत है। तो पूंजीपतियों से पैसा लेना चाहिए। भारत के अंदर 138 ऐसे बिलियनर हैं जिनके पास इतना इतना पैसा है कि आप खंगालते रह जाएं, आपके पास में सारी संपत्ति को ये लोग निचोड़ ले गए हैं, तो इनसे पैसा वसूला जाए। 138 तो ये हैं, और जो हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम करवाते हैं दूसरे देशों में, ऐसे NRIs भी हैं जो उनके पास, उनको उनकी भी अगर संख्या को मिला है, तो ऐसे 170 बिलियनर्स हैं इंडिया के अंदर। उन सबसे संपत्ति को लेना चाहिए, पैसे को लेना चाहिए, और इस वक्त जबरदस्ती लेना चाहिए। धर्मस्थलों पर बहुत सारा पैसा होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर बहुत पैसा होता है, उनकी सहायता ली जाए। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या ये लोग राजी राजी देंगे अपनी सहयोग? बिल्कुल जी नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे, इनसे तो डंडे के जोर पर लेना ही पड़ेगा, यही कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि साहब ये तो उनकी मेहनत की कमाई है, पूंजीपतियों ने बड़ी मेहनत से और जो है फर्श से उठकर अर्श पर आए हैं, जमीन से आसमान पर आए हैं, दिन रात एक किया है। जी इन्होंने कोई दिन रात एक नहीं किया है, दिन रात एक किया है लूट करने में। लोगों के पास जितना जो उनका सैलरी मिलनी चाहिए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को जो तनख्वाहें मिलनी चाहिए, ये कंपनी वाले उनको उसे 10 मतलब आधा आधा से आधे से भी कम देते हैं, और जो बाकी आधा है उसको बचा बचा के इन्होंने संपत्तियां बटोरी हैं, इनके बाप दादाओं ने बटोरी हैं। तो वो इनसे पैसे लेना चाहिए, मेहनत का पैसा नहीं है, लूट का पैसा इन लोगों के पास में, क्लियर कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी ये आपातकाल है तो ये काम करना ही पड़ेगा। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये बात तो बहुत लंबी जा रही है, लंबी डिबेट हो सकती है इस पर। हाँ बिल्कुल लंबी डिबेट हो सकती है, किसी अगले वीडियो में करेंगे भी लंबी डिबेट। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या मोदी सरकार ऐसा करेगी? तो साहब जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं करेगी। मोदी सरकार इन्हीं लल्लू पल्लुओं की थाली चाटू सरकार है, और सिर्फ मोदी सरकार ही क्या, अगर कांग्रेस आ जाए तो भी वो ऐसा नहीं करने वाली। सपा बसपा रालोद आप जितनी भी इर्द गिर्द की दक्षिणपंथी पार्टियों को जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। बल्कि इस वक्त भारत में जितनी भी सत्ताधारी पार्टी है, वो कोई भी ये काम नहीं करने जा रही है, क्योंकि उन लोगों का ये प्रयास रहता है कि अंतिम सांस तक, जब तक बस चले, मुनाफाखोरों का मुनाफा जारी रहे, ताकि उनके कमीशन उनके चंदे बचे रहेंगे। और जब स्थिति ऐसी लगती है कि अब नहीं बच पाएंगे, अब जनता हम पर अटैक कर देगी, तब जाकर ऐसे डिसीजन लेते हैं कि चलो थोड़ा बहुत दाना रेवड़ियां डाल दें जनता को, ये दिखाने के लिए कि हम तो बहुत सारा आप लोगों के लिए कर रहे हैं। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पार्टियां ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और हम पार्टी बदलने की बात भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी को भगाओ और राहुल गांधी को ले आओ या अखिलेश यादव को ले आओ, हम तो कह रहे हैं कि व्यवस्था को बदलो, क्योंकि कोरोना जैसी जो आज प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम से बड़ी बड़ी कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है। हो सकता है कि कल कोरोना की जगह कोई कोरोना नाम का वायरस आ जाए, और वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो, इससे कहीं ज्यादा व्यापक हो जाए, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को एक साथ तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी करने के लिए किसी एक नेता को बदलने या नए नेता को लाने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और वो व्यवस्था कैसे बदलनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि आखिरकार एक्चुअली ये जो कुछ अभी चल रहा है पैनिक, उससे हम कुछ सबक सीखें और आगे की व्यवस्था बनाएं कैसे। तो सबक क्या है, मैं पहले सबक, तो मौजूदा जो परिस्थिति चल रही है उससे सबक सबसे पहले तो ये लेने की जरूरत है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हम लोग, मेरा देश, मेरा कुनबा, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरी नस्ल, मेरा रंग,
मेरा लिंग, इन सब को लेकर जो बहुत सारे अहंकार में रहते हैं, उस अहंकार को तुरंत तोड़ देने की, नेस्तनाबूत कर देने की जरूरत है। पूरी दुनिया एक परिवार है। हमने देखा कैसे कोरोना वर्ण देखकर, देश देखकर, राज्य देखकर, विचारधारा देखकर आप तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि वो सब तक पहुंच जाएगा। और इसीलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि पूरा विश्व एक परिवार है, हम परिवार की तरह रहेंगे। आपस में लड़ने के बजाय शांति और सद्भाव का रास्ता, विकास का रास्ता हम अपनाएंगे, सामूहिक विकास का रास्ता हम अपनाएंगे। ये हमारा सबक होना चाहिए। हमारा सबक होना चाहिए कि जो तमाम फौज पर, गोला बारूद पर हम लोग जो तमाम देश पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा वहां की जगह हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीजों पर, तकनीक पर, वहां पर खर्च करेंगे, जिससे इस दुनिया की तरक्की हो सके। एक्चुअल में हम लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि निजी संपत्ति अर्जित करने का जो प्रोसेस है, जो व्यवस्था है, कि हम लोग करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, खरबपति हो सकते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है इस दुनिया में मानवता के लिए। ये इंसानियत का दुश्मन है। आप देख रहे हैं कि कोरोना के इस संकट में सरकारें काम आ रही हैं, और सरकारों का मतलब आपकी चुनी हुई सरकारें, जिनके पास जो खजाना है, वो खजाना दरअसल आपका ही पैसा है। तो आपका पैसा ही आपके पास आ रहा है, सार्वजनिक संपत्ति ही आपके काम आ रही है, निजी संपत्ति काम नहीं आ रही है। बड़े बड़े अडानी, अंबानी, ये लोग आपके काम नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए सबक ये है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति का सार्वजनीकरण होना चाहिए, संसाधनों का सार्वजनीकरण होना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए संसाधन और संपत्ति का इस्तेमाल हो, सामूहिक संपत्ति हो, सामूहिक संसाधन हो। ये बहुत जरूरी सबक हमारे लिए है। और ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई, दरअसल ये क्या है, ये समाजवाद का प्रारूप है, जिसके बारे में बहुत सारी बात हम लोग करते हैं। और हमारी भारत सरकार, योगी, मोदी, अमित शाह जैसे जो लोग हैं, वो भारत सरकार के जो, भारत का जो संविधान है, उसमें से समाजवाद शब्द को खत्म कर देना चाहते हैं। सोचिए कि अगर कोरोना से पहले उन्होंने समाजवाद शब्द को खत्म, हालांकि वो एक औपचारिकता भर ही है, क्योंकि उस शब्द को अवॉइड करते हुए, अनदेखा करते हुए तमाम किस्म के निजी संपत्ति, निजी मालिकाने इस देश के अंदर हैं, और उन्हीं की पूजा करती हैं सरकारें, बड़े बड़े पूंजीपतियों की। लेकिन फिर भी अगर शर्म ना के लिए जो थोड़ा बहुत समाजवाद का रास्ता हमारी सरकार ने अपनाया हुआ है, अगर उसको भी वो छोड़ दे, तो सब कुछ प्राइवेट हाथों में आ जाएगा, और तब हम तड़प रहे होंगे, सब लोग तड़प रहे होंगे, सिर्फ जो ऐश कर रहे होंगे वो बड़े बड़े पूंजीपति होंगे, आज भी कर रहे हैं, कल को और ज्यादा करेंगे। उस स्थिति से बचने के लिए समाजवाद की तरफ जाना ही इस दुनिया में सुख समृद्धि लाने का एकमात्र तरीका है, इस दुनिया को सुरक्षित रखने का तरीका है। तो ये सबक है। अगले वीडियो में हम लोग समाजवाद पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के जो भी सवाल हो, जो भी टिप्पणियां हो, मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम इस विषय पर आगे बातचीत कर सकें।